जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के शहीद वीर गोपाल सिंह भदौरिया के बारे में, जिन्हें स्वर्ण चक्र से नवाया गया है। दोस्तों इनके पिता का नाम मुनीम सिंह भदौरिया है। इनका जन्म 27 जुलाई 1983 को ग्रामपुरा ताल, जो कि आगरा के तहसील भाम में स्थित है, हुआ था। दोस्तों इन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी से बीटेक पास किया। सन 2003 में सेना में भर्ती हो गए थे। सर्विस के दौरान 5 विभिन्न मेडल प्राप्त किए, जो कि अपने आप में एक बड़े ही गर्व की बात है। 26/11/2008 को बॉम्बे में जो ताज होटल और ओबरा होटल पर हमला हुआ था, जैसा कि आपने मीडिया में उस टाइम सुना था, उसमें गोपाल सिंह भदौरिया NSG कमांडो के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजे गए थे। अरुणाचल प्रदेश में 2012 को सैन्य सेवा मेडल प्राप्त हुआ था। 30/10/15 में फर्स्ट RR में तैनात हुए। लास्ट नाए गोपाल सिंह 12 फरवरी 2017 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक मकान में 9 आतंकवादी छिपे होने की खबर होने के बाद, CO द्वारा ऑर्डर होने के बाद साथी कमांडो के साथ सर्च ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और भारी गोलाबारी में आमने सामने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। गोपाल सिंह का अदम्य साहस और बहादुरी की वजह से मरणोपरांत भारतीय सेना ने स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया। उधमपुर स्थित उत्तरी कमांड के युद्ध स्मारक ध्रुव में वीर शहीद का नाम सदैव के लिए अंकित किया गया है। वीर लाश नायक गोपाल सिंह भदौरिया को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.